इस संकीर्तन में श्री राधा जी की महिमा का वर्णन किया गया है, यानी भगवान की वैसे तो अनंत शक्तियां हैं। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, श्री कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तिन प्रधान, चित शक्ति जीव शक्ति माया शक्ति नाम, अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जरे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार ऊपरे। श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, जिनमें तीन शक्तियां प्रमुख हैं, चित शक्ति यानी स्वरूप शक्ति जिसे योग माया शक्ति भी कहते हैं, जिसे हलादिनी शक्ति भी कहते हैं। दूसरी है जीव शक्ति यानी हम लोग, और तीसरी है माया जो हमारे ऊपर हावी है। तो सबसे प्रमुख तीन शक्तियां, उनमें भी सबसे प्रमुख स्वरूप शक्ति जिसे जीव शक्ति भी कहते हैं, जिसे योग माया शक्ति भी कहते हैं, चित शक्ति भी कहते हैं, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है। दूसरी है माया, एक तो है योग माया, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति, और दूसरी है माया, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति, और तीसरी है हम लोग जीव शक्ति। हम भी भगवान की शक्ति हैं, हाँ, हम कैसी शक्ति हैं भगवान की, तटस्थ न्यूट्रल। तो हमको शक्ति क्यों कहा गया है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। कैसे अंश हैं, जैसे कोई रुमाल है उसके आप टुकड़े टुकड़े कर दें तो वो उसका अंश होता है, ऐसे ना, जैसे कोई पत्थर है आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो वो उस पत्थर का अंश होता है छोटा टुकड़ा, ऐसे ना। हम चूंकि भगवान की एक छोटी सी शक्ति हैं, इसलिए हमको अंश कहा जाता है, और हम
भगवान की जो योग माया है, स्वरूप शक्ति, पर्सनल पावर, उसके अंश नहीं है। उसके अंश तो हैं अनंत ब्रह्मा जी, अनंत विष्णु जी, अनंत शंकर जी, भगवान के अनंत अवतार। ये सब योग माया के अंश हैं, यानी स्वांश हैं भगवान के। और हम लोग कैसे अंश हैं? विभिन्नांश। भगवान में जो जीव शक्ति है, जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के हम लोग अंश हैं। हम भगवान के डायरेक्ट योग माया के स्वरूप शक्ति के अंश नहीं हैं। भगवान की जीव शक्ति जो है, जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के हम अंश हैं, इसलिए हम भगवान के अंश कहलाते हैं और एक शक्ति हैं हम लोग भी। तो भगवान की अनंत शक्तियों में सबसे प्रमुख है स्वरूप शक्ति, या यूं कहिए सच्चित आनंद। ये भगवान के तीन स्वरूप हैं, उसमें आनंद ब्रह्म प्रमुख, और आनंद ब्रह्म में भी सारभू तत्व है स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति, और उसका भी सारभूत तत्व है भक्ति, और उसी का नाम है राधा। लादिनी शक्ति का भी सारभूत तत्व जो निकला घी, वो है श्री राधा जी। तो श्री राधा जी के विषय में यहां कहा गया कि अद्वितीय एक तत्व ब्रह्म ने अपनो ही दो रूप किया। अद्वितीय तत्व बताया वेदव्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए। और कहीं कहीं, चूंकि श्री कृष्ण और श्री राधा दो नहीं हैं, कहीं कहीं श्री राधा जी को अद्वितीय तत्व बताया है। अद्वितीय एक तत्व है राधा परम प्रधान, राधे राधे वाको दूजो रूप है स्वयं कृष्ण भगवान, राधे राधे ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जनमोहनम। पुराणों में कहा गया कि राधा जी कहती हैं कि मेरा ही पुरुष रूप है श्री कृष्ण, यानी मैं ही श्री कृष्ण बनती हूं। और कहीं कहीं लिखा है कि श्री कृष्ण ही श्री राधा बन जाते हैं। श्री राधा जी उनकी शक्ति हैं और भगवान शक्तिमान हैं। एक होता है शक्तिमान, एक होती है उसकी शक्ति। तो श्री राधा जी श्री कृष्ण की शक्ति हैं। शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं रह सकती, शक्तिमान शक्ति के बिना नहीं रह सकता। जैसे आग की दो शक्तियां हैं, जलाना और प्रकाश करना। अब कोई आग से जलाना और प्रकाश करना, इसको अलग करना चाहे, नहीं हो सकती। तो वो अद्वितीय जो ब्रह्म है, यहां निराकार ब्रह्म की ओर इशारा किया गया, वो अद्वितीय तत्व यद्यपि श्री कृष्ण है, लेकिन ब्रह्म शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए भी होता है और निराकार ब्रह्म के लिए भी होता है। उस तत्व ने सोचा कि जीवों का कल्याण कैसे होगा, अगर मैं निराकार रूप में रहूंगा तो साकार बनूं, तो साकार बने, अकेले मन नहीं लगा, बोर हो रहे थे, तो सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा इदग्वम सर्वमसृजत यदिदं किंच। भगवान बोर हो रहे थे जब महाप्रलय के बाद सृष्टि की, अकेले थे ना पहले, बोर हुए तो उन्होंने ये सब संसार प्रकट किया, तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया। फिर भी मन नहीं लगा कि सब बच्चे आवारा हैं, अब क्या करें।
तो स इममेवात्मानं द्वेधा पातयत् ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम, बृहदारण्यकोपनिषद। तब फिर भगवान ने अपने को ही दो बना लिया, स इममेवानं द्वेधा पातयत् दो बना लिया, ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम, उसमें एक रूप पुरुष और दूसरा रूप स्त्री के रूप में हो गया। तो स्त्री के रूप में जो रूप हुआ वो है श्री राधा, जो कि भगवान की योग माया शक्ति का भी सारभूत तत्व, लादिनी शक्ति का भी सारभूत तत्व, भक्ति स्वरूपा है। तो वो ब्रह्म निराकार था और निराकार ब्रह्म को नपुंसक कहा जाता है, यानी ब्रह्म शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है। जैसे किन्नर कहलाते हैं ना, हिजड़े, तो ब्रह्म शब्द संस्कृत में नपुंसक लिंग है। दो लिंग होते हैं ना प्रमुख रूप से, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, आप सब स्त्रियां हैं, ये सब पुरुष हैं, और एक होता है नपुंसक, हमारे मृत्यु लोक में उसको हिजड़ा या किन्नर कहा जाता है। तो ब्रह्म शब्द संस्कृत में नपुंसक लिंग है, उसको साकार बना दिया किसने, श्री राधा जी ने। श्री राधा जी भगवान की योग माया शक्ति है ना एक प्रकार से, अरे हिलादिनी शक्ति तो और सारभूत तत्व है तो योग माया शक्ति। तो योग माया शक्ति से श्री कृष्ण साकार बने, साकार बने तो पुल्लिंग बन गए। तो अद्वितीय तत्व जो श्री राधा जी हैं, उनकी कृपा से श्री कृष्ण साकार बने, और जो नपुंसक कहलाते थे, चूंकि निराकार ब्रह्म नपुंसक होता है तो पुल्लिंग हो गए, यानी साकार होकर पुरुष रूप में आए। इकथा परम स्वतंत्र महेश्वर इकने किंकर बना दिया। अनंत ब्रह्मांडों में अगर कोई स्वतंत्र है तो वो केवल भगवान ही हैं, स्वतंत्र कर्ता वेद में कहा गया। संत भी स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वैरं चरन्ति मुनयो पिननह्यमानास तस्येच्छया तव पुषः कुत एव बन्धः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 35वां श्लोक। जो भक्त केवल भगवान के चरण कमलों से ही प्यार करते हैं, या जो योगी भक्ति करके योगारूढ़ हो चुके हैं, समस्त कर्म बंधनों को काट चुके हैं, ऐसे योगी और ऐसे महापुरुष स्वैरं चरन्ति स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। सस्वराड भवति वेद में कहा गया, भगवान स्वतंत्र हैं और महापुरुष भी स्वतंत्र हो जाता है। सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, छांदोग्योपनिषद। सस्वराड भवति छांदोग्योपनिषद, यानी वो समस्त लोकों में विचरण कर सकता है, स्वतंत्र हो जाता है महापुरुष, और भगवान तो सदा से ही स्वतंत्र हैं। नारद जी ने गुस्से में कहा था ना भगवान से, जब भगवान ने उनको बंदर का मुंह दे दिया था, कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई करे सोई भावे जोई जोई। आप परम स्वतंत्र हैं लेकिन इकने किंकर बना दिया, राधा रानी ने उनको किंकर बना दिया, जो परम स्वतंत्र था उसको दास बना दिया। अरे दास तो भक्त लोग ही बना देते हैं भगवान को दास।
भगवान ने बार बार एडमिट किया है, अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रियः। श्रीमद् भागवत के नौवें स्कंध के चौथे अध्याय का 63वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा जी से कहते हैं कि दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीनः, मैं भक्तों का दास बन जाता हूं, उनके अधीन हो जाता हूं, अस्वतंत्र हो जाता हूं, सदा मुक्तोपि बद्धोस्मि भक्तेषु स्नेह रज्जुभिः अजितोपि जितोऽहं तैः रवशोपि वशीकृतः। वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं सदा मुक्त होता हुआ भी भक्तों की स्नेह रूपी डोरी में बांध लिया जाता हूं, मुझे कोई नहीं जीत सकता, लेकिन भक्त मुझे अपने वश में कर लेते हैं। आदि पुराण में भगवान कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मतलब रहता तो हूं लेकिन बहुत खुशी से नहीं रहता। योगी नाम हृदये न च, और योगियों के हृदय में भी मैं उतनी प्रसन्नता से नहीं रहता। फिर कहां आप प्रसन्नता से रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां मुझे रोकर बुलाते हैं, कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि, वहां तो मैं धरना दे के, तिष्ठामि माने उठता ही नहीं, फिर वहां से बैठ जाता हूं, जैसे कोई धरना दे के हड़ताल करके बैठ जाए। तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद, मैं फिर वहां प्रसन्नता के साथ बैठा रहता हूं। तो भगवान को दास तो भक्त लोग ही बना देते हैं, क्योंकि स्वरूप शक्ति आ गई, योग माया शक्ति आ गई ना भक्तों के पास, प्रेमा शक्ति, प्रेमा शक्ति के दास बन जाते हैं भगवान। इतने दास बन जाते हैं कि प्रभु तर उतर कपिडार पर, भगवान राम वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सारी बानर सेना जो दास से भाव की उपासक है, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव छोड़िए, जो दास से भाव के उपासक हैं, हनुमान जी वगैरह, वो उसी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, भगवान राम उसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं। क्यों? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हाँ हाँ, बड़ी डींग मारते हैं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, हाँ, आप तो लोकादर्श के लिए आए हैं, हाँ, तो फिर आपने इन बंदरों को डांटा क्यों नहीं? ए, क्या बदतमीजी है, चलो नीचे बैठो। नहीं डांटा, क्यों? डांटे कौन? भगवान तो स्वयं अपने को दास मान रहे हैं, भक्तों के प्रेम में इतने अधीन हैं कि वो भूल गए मैं स्वामी हूं। श्री राम अपने को दास मान रहे हैं, और वो बानर सेना भी विभोर है स्वामी के प्रेम में, वो अपने को स्वामी मान रही है, तो डांटे कौन? भगवान राम शबरी के यहां गए, जूठे बेर खाए, क्यों? क्यों खाए? ये दुनिया आपको क्या कहेगी? भगवान राम कहते हैं, दुनिया जाए भाड़ में, अरे मैं होश में हूं तब तो ठीक काम करूं, मेरी जो ज्ञान शक्ति है वो शबरी के प्रेमा शक्ति में लीन हो गई है। मैंने बताया था ना, जितनी शक्तियां हैं वो प्रेमा शक्ति में लीन हो जाती हैं। भगवान भूल जाते हैं मैं स्वामी हूं, भक्त भूल जाता है मैं दास हूं। ये स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति, भगवान के की भगवत्ता को
को भुला देती है और भक्त के दासत्व को भुला देती है। दोनों अपने अपने को भूल जाते हैं तभी तो प्रेम होता है। अगर भक्त ये सोचे वो तो स्वामी है, वो तो भगवान है, तो फिर प्यार कैसे करेगा, डरेगा। यशोदा मैया सोचे मेरा लाला तो भगवान है, प्यार कैसे करेंगी। योग माया शक्ति से भगवान भुला देते हैं, बस उसको इतना ही याद रहता है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे सखा हैं, ये मेरे स्वामी हैं, ये मेरे प्रियतम हैं, बस। तो इक था परम स्वतंत्र महेश्वर, इक ने किंकर बना दिया। श्री राधा जी की दासता करते हैं, किंकर बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? उसके बहुत से कारण हैं। एक कारण तो यह है कि मादनाख्य महाभाव केवल श्री राधा जी के पास है। श्री कृष्ण केवल मोदन तक पहुंचे हैं। महाभाव जो है उसमें भी मोदन और मादन है ना, मोदन तक श्री कृष्ण पहुंचे हैं, मादन तक तो केवल श्री राधा जी पहुंची हैं और कोई अनंत ब्रह्मांडों में नहीं पहुंच सका। अंतिम रस जो है मादनाख्य महाभाव वो केवल श्री राधा जी के पास है। उस मादनाख्य महाभाव को पाने के लिए श्री कृष्ण सदा श्री राधा जी के सामने रोकर उनकी दासता करते हैं कि मुझे भी कभी श्री राधा जी की कृपा से मोदन से मादन मिल जाए। और दूसरी बात, श्री राधा जी श्री कृष्ण की आत्मा है। आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ आत्मा राम इति प्रोक्तो मुनिभिर गूढ़ वेद भी। स्कंद पुराण, जैसे हमारे शरीर की आत्मा ये आत्मा, ऐसे ही हमारी आत्मा की आत्मा श्री कृष्ण, ऐसे ही श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा। आत्मा सदा शरीर से पूजनीय होती है, यानी पूजनीया होती है। ये शरीर हमारे हाथ पैर आंख नाक कान मन बुद्धि दिन रात क्या कर रहे हैं, आत्मा की जो ये हमारी आत्मा है इसकी सेवा कर रहे हैं, इसको प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हमारी आत्मा शरीर है किसका, परमात्मा रूपी आत्मा का। जैसे ये शरीर इस आत्मा का, ऐसी हमारी आत्मा शरीर परमात्मा रूपी आत्मा का, यानी हमारी आत्मा मानो शरीर है और श्री कृष्ण हमारी आत्मा की आत्मा है। ऐसे ही श्री कृष्ण शरीर हैं और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। तो इसलिए भी श्री राधा जी के किंकर बने रहते हैं श्री कृष्ण। और जो आनंद स्वरूप थे सदा सनातन, उनको रोना सिखा दिया किसने, श्री राधा जी ने। तो पिय प्यारी पिय प्यारी 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 पिया पिया पिय प्यारी 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 पिया पिया अद्वितीय एक तत्व ब्रह्म ने अपनो ही दो रूप किया। अद्वितीय एक तत्व
ब्रह्म ने बोलिए अपनो दो रूप लिया अपनो ही दो रूप किया ब्रह्म नपुंसक इकने पुल्लिंग बना दिया इक था नीरस ब्रह्म नपुंसक परम स्वतंत्र महेश्वर और इकने किंकर बना दिया इक था परम स्वतंत्र महेश्वर इकने किंकर बनाया राधे इकने किंकर बना दिया सनातन इकने रोना सिखा दिया इक था चलत बिनु ही पग श्रुति कह इकने दो दो चरण दिया भगवान के लिए ग्रंथों में लिखा है वेदों में भी लिखा है कि भगवान के पैर नहीं हैं किंतु चलता है आंखें नहीं हैं किंतु देखता है कान नहीं है किंतु सुनता है नासिका नहीं है किंतु सूंघता है जैसा कि श्वेता श्वतरोपनिषद में भी कहा गया अपाणि पादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षु स श्रृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुखम महांतम अपाणि पादो भगवान के पैर नहीं है किंतु चलता है जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षु सशिणोत्य कर्ण भगवान के हाथ नहीं है पकड़ता है पैर नहीं है चलता है कान नहीं है सुनता है आंखें नहीं है देखता है अपाणि पादो यानी अपाणि माने हाथ नहीं है फिर भी पकड़ता है पैर नहीं है फिर भी चलता है तुलसीदास जी ने भी इसका ट्रांसलेशन किया बिनु पग चलई
सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करही विधि नाना आनन रहित लेकिन सकल रस भोगी लेकिन बिनु बानी बकता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा और ग्रह ही घ्राण बिनु बास अशेखा असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी। यानी इक था चलत बिनु ही पग श्रुति कह, श्रुति कहती है कि बिना पैर के और फिर भी चल लेता है वो, हाँ लेकिन बिना पैर के चलेगा तो दिक्कत होगी ना, कैसे चलेगा। तो इक ने दो दो चरण दिया। श्री राधा जी जब आई यानी योग माया शक्ति जब आई तब श्री कृष्ण साकार बने, तब उनको दो दो चरण मिले, वरना तो वो निराकार थे, बिना पैर के थे बिना हाथ के निराकार थे यानी। और जब योग माया शक्ति स्वरूपा शक्ति आई श्री राधा जी, तब श्री राधा जी ने निराकार ब्रह्म को साकार किया और दो दो चरण उनको दिए चलने के लिए। इक था निर्गुण अलख अगोचर इक ने अगणित गुणन दिया। निराकार ब्रह्म अकर्ता है, निर्गुण है, निराकार है, अलख है यानी उसे कोई नहीं देख सकता, अगोचर है, अगोचर का भी वही अर्थ है कि जो गोचर ना हो यानी दिखाई ना दे, प्रकाश रूप है, उसका कोई रूप ही नहीं है, देखेगा कोई कैसे, केवल प्रकाश रूप में देख सकता है। तो इकने अग्नित गुणन दिया, जो निर्गुण था जिसमें कोई गुण नहीं था निर्गुण था उसको अनंत गुण दे दिए। किसने? श्री राधा जी ने। कैसे? जब वो साकार बन के आए। यहां तक कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी इस बात को माना कि हे निराकार ब्रह्म तुम तो उदासीन हो, उदासीन स्तब्धः सततम गुणः संगरहितो भवांस्तातः कातः परमिह भवे जीवन गति अकस्मादस्माकं यदि न कुरुषे स्नेहमथ तद् वसस्वस्वीयांतर विमल जठरेस्मिन् पुनरपि। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे निराकार ब्रह्म तुम तो उदासीन हो, न किसी को देखते हो, न किसी की बात सुनते हो, न कुछ करते हो, तुम तो अकर्ता हो, स्तब्ध हो, बिल्कुल जड़ की तरह जब कोई हरकत ही नहीं करते हो। अगुण, आप में कोई गुण नहीं है, निर्गुण हो, लेकिन ये सब होते हुए भी श्री राधा जी की कृपा से यानी योग माया शक्ति से वो निराकार ब्रह्म साकार बना और फिर कर्ता धर्ता सब कुछ बन गया। इक था सहस्र शीरखा पुरुखः, इक ने नारी बना दिया। भगवान के लिए पुरुष सूक्त में भी कहा गया है और श्वेता श्वतरोपनिषद में भी कहा गया है, सहस्र शीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वत स्पृत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम्। भगवान के सहस्रों सिर हैं, सहस्रों आंखें हैं, सहस्रों हाथ हैं, सहस्रों पैर हैं, चरण हैं, और वो पुरुष है, वो ही असली परम पुरुष है। सच पूछिए तो अनंत ब्रह्मांडों में अगर कोई पुरुष है तो केवल एक,
कौन? गोविंद एव पुरुषो ब्रह्माद्याह स्त्रिय एव ही। वेदव्यास जी पुराणों में लिखते हैं, ब्रह्मांड पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण में वेदव्यास जी ने लिखा, गोविंद एव पुरुषो, अनंत ब्रह्मांडों में अगर कोई पुरुष है तो केवल गोविंद। ब्रह्माद्याह स्त्रिय एव ही, ब्रह्मा जी शंकर जी वगैरह जितने भी भगवान के ये स्वांश है सब स्त्रियां हैं। ब्रह्मा जी भी स्त्री हैं, हाँ, शंकर जी भी, हाँ, सब। केवल पुरुष अगर कोई है तो श्री कृष्ण। इसीलिए एक बार मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र भेजा कि मैं आपसे के दर्शन करना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। तो तुलसीदास जी ने पत्र के द्वारा उत्तर भेजा कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। तो मीराबाई ने फिर पत्र भेजा कि मैं तो समझती थी कि अनंत ब्रह्मांडों में केवल श्री कृष्ण ही पुरुष हैं, आज मुझे मालूम पड़ा कि कोई दूसरा पुरुष भी है। तो तुलसीदास जी ने उत्तर भेजा कि आ जाओ मिलने के लिए। सही बात है भाई, अनंत ब्रह्मांडों में अगर कोई पुरुष है तो केवल श्री कृष्ण है, और तो कोई पुरुष है ही नहीं। मीराबाई ने बिल्कुल ठीक कहा, तो तुलसीदास जी भी समझ गए, बिल्कुल ठीक कहती हैं, आओ आओ महापुरुष, महापुरुष तो हम लोग बैठकर हरि गुरु की चर्चा करेंगे, हमारे राम और तुम्हारे श्याम एक ही तो हैं। अवध के राम बने ब्रज श्याम, अवध के राम बने ब्रज श्याम, लखन बने बलराम जानकी राधा रानी नाम, अवध के राम बने ब्रज श्याम, त्रेता में बड़ भ्रात राम भये द्वापर में बलराम, अवध के राम बने ब्रज श्याम। कोई भेद तो है नहीं, तो हम चर्चा करेंगे अपने श्री राम श्री श्याम की। तो अनंत ब्रह्मांडों में अगर कोई पुरुष है तो वो केवल श्री कृष्ण है और सभी के वो पति हैं। तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम, तम देवतानाम परमं च दैवतम, पतिं पतीनाम परमं परस्ताद, भुवाम देवं भुवनेश मीड्यम, विदाम देवं भुवनेश मीड्यम। श्वेताश्वतरोपनिषद छठवें अध्याय का सातवां मंत्र। ईश्वराणाम परमं महेश्वरम, भगवान श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, महेश्वर महाईश्वर हैं। तो क्या ईश्वर भी बहुत सारे होते हैं? ना ना, ईश्वर तो एक ही है, लेकिन जो भगवान के स्वांश है ना, अनंत ब्रह्मा जी, अनंत विष्णु जी, अनंत शंकर जी, अनंत अवतार, ये सब ईश्वर हैं। क्योंकि ये योग माया को गवर्न करते हैं, ये सब जितने अवतार हैं और अनंत ब्रह्मा जी वगैरह हैं, ये सब योग माया को गवर्न करते हैं, यानी स्वरूप शक्ति के गवर्नर्स हैं ये, इसलिए सब ईश्वर हैं। लेकिन ये सब अवतार हैं और श्री कृष्ण अकेले अवतारी हैं, उनके अवतार हैं ये सब। तो जो परम पुरुष कहलाए, परम पति, पतिम पति नाम, पतियों के भी पति हैं वो, केवल स्त्रियों के पति हैं ऐसा नहीं, पुरुषों के भी पति हैं श्री कृष्ण। इसीलिए भागवत में भी लिखा है, गोपी नाम तत्पतीनाश्च सर्वेशामेव देहिनाम, गोपियों के भी पति श्री कृष्ण और गोपियों के पति भी श्री कृष्ण ही पति सबके।
तो एक था सहस्र शीर्य खा पुरुख एक ने नारी बना दिया एक शीर्य खा पुरुष एक नारी बना दिया। नारी कैसे बनाया भगवान को? जब राधा जी रूठ जाती हैं, जब राधा जी मान कर लेती हैं, तो भगवान उनको मनाने के लिए कभी लीलीहारिन का रूप बनाते हैं, कभी मनीहारिन का रूप बनाते हैं, यानी कभी तो मेहंदी लगाने वाली का रूप बना लेते हैं, कभी चूड़ी पहनाने वाली का रूप बनाकर उनको मनाने के लिए आते हैं। स्त्री बनकर ना आना पड़ता है, श्री कृष्ण को नारी बनना पड़ता है श्री राधा जी को मनाने के लिए। और इक को मद था इक होने का, भगवान को बड़ा अहंकार था, मैं अकेला हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं आत्मा राम हूं, पूर्ण काम हूं, परम निष्काम हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन बोर होने लगे क्योंकि बच्चे तो सब आवारा हो गए, जब सृष्टि किए तो हम सब बच्चे आवारा है ना, क्या करें, किसके साथ बातचीत करें। तो फिर श्री राधा जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आती हूँ, योग माया शक्ति ने कहा, और मैं आपको दो बना देती हूँ, हम दो बन जाएंगे तो हम आपस में बातचीत कथा वार्ता करेंगे। तो इक को इक मद था इक होने का, और इक ने बहुरूपिया किया, बहुरूपिया भी बने भगवान, दो तो बने ही, बहुरूपिया वही नारी बने, कभी कुछ बन रहे हैं मनाने के लिए, कभी वीणा वाली नारी बन रहे हैं। महाराज जी का एक पद है ना, अनोखी वीणा वाली नारी, लीला माधुरी में महाराज जी का एक पद है ना, अनोखी वीणा वाली नारी। कभी भगवान श्री राधा जी को मनाने के लिए वैरागिनी का भेष बना रहे हैं, बैरागी बाबा स्त्री रूप में बन गए हैं, वीणावारी वीणा लेकर और बैरागिनी के भेष में बैठे हैं, किसी प्रकार से राधा जी को मना ले। अब पुरुष रूप में मैं जाऊंगा तो जाने नहीं, आने नहीं देंगी। तो फिर और दूसरे दूसरे रूप बहुरूपिया बन बनकर श्री राधा जी के पास वो जाते हैं। एक सर्वज्ञ सर्ववित ही था एक ने बाउर बना दिया, वो भगवान जो सर्वज्ञ थे, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूप मन्नं च जायते, मुंडकोपनिषद, पहले मुंडक के पहले खंड का नौवां मंत्र। वो जो सर्वज्ञ था भगवान, उसको बावला बना दिया। किसने? श्री राधा जी ने। बाउर मने बावला, बावला मने पगला, पगला मने उनके प्रेम में, श्री राधा जी के प्रेम में श्री कृष्ण बाउर बन गए हैं, पागल जैसे, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। जब राधा जी रूठ जाती हैं मनाने के लिए, ऐसे ऐसे घूमते हैं, क्या करें, कभी इस सखी के चरण पकड़ते हैं, कभी ललिता के, कभी विशाखा के, कभी तुंग विद्या के, कभी चित्रलेखा के, कभी इंदुलेखा के, अरे तुम ही मेरी तरफ से प्रार्थना करो ना, वो रूठ गई हैं, मना दो। बाउर बना दिया श्री राधा जी ने। इक था आत्मा राम आत्मरति इक ने वाको रमण दिया, आत्म क्रीड आत्मरति आत्म मिथुन, भगवान के लिए वेदों में शब्द आया है, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका, भागवत महात्म्य में कहा गया है भगवान आत्मा राम हैं, अपनी ही आत्मा में रमण करते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं रमण करने के लिए, अकेले ही रमण कर लेते हैं। इकने वाको रमण दिया,
लेकिन श्री राधा जी की कृपा से महारास हुआ, वरना तो भगवान श्री कृष्ण कभी महारास चाह कर भी न कर पाते। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को वरदान दिया था चीर हरण के समय में कि इन्हीं रात्रियों मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा, इन्हीं रात्रियों में, दिन के समय रात्रि कहा, दिन था उस समय, और कहा इन्हीं रात्रियों में, बहुत सी रात्रियां वहां खड़ी थी योग माया की शक्ति की कृपा से, उनकी ओर देखकर कहा इन्हीं रात्रियों में मैं कुछ समय पश्चात तुम्हारे साथ रमण करूंगा, महारास करूंगा। वरदान तो दे दिया, और जब श्री राधा जी ने कहा कि भाई तुमने वरदान दिया था गोपियों को, हाँ हाँ, कि मैं रास करूंगा तुम्हारे साथ, महारास का रस दूंगा, हाँ तो करो, कैसे करूं? आप लोग वृंदावन जाते हैं, लीला देखते होंगे, वहां जो बच्चे लीला करते हैं, तो महारास प्रारंभ करने के लिए भी श्री कृष्ण को श्री राधा जी के शरण में आना पड़ा। आप लोग लीला में देखते होंगे कि श्री कृष्ण अपना मुकुट रखते हैं श्री राधा जी के चरणों में कि आप कृपा करिए, आप चलिए, तभी तो महारास होगा, तभी तो मैं गोपियों के साथ रमण कर पाऊंगा, अकेला नहीं। तो जो अपने को आत्मा राम कहते थे, आत्म क्रीड आत्म मिथुन समझते थे, उनको रमण करा दिया श्री राधा जी ने। इक था बुद्धि अतीत विधि हूं बुद्धि, इक ने बुद्धू बना दिया। वो भगवान जो ब्रह्मा जी भी जिनको अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु नचावन हारे, ते ऊ न जानही मरम तुम्हारा और तुम ही को जान निहारा। तुलसीदास जी ने भी लिखा, ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी भी श्री कृष्ण को श्री राम को नहीं समझ सकते, वो सबकी बुद्धि से अतीत हैं, बुद्धि से परे हैं भगवान, उनको बुद्धू बना दिया। किसने? श्री राधा जी ने। इकने चंचल रूप बनायो इकने भोरो रूप किया। अब भक्तों को रस देना है, दोनों ही चंचल होंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, दोनों ही भोरे होंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो श्री राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा, भाई तुम क्या बनना चाहते हो, चंचल या भोरे? उन्होंने कहा, भाई मैं तो चंचल ही बनूंगा, मैं तो हूं ही चंचल। तो राधा जी ने कहा, मैं तो भाई भोरी भारी बनूंगी। तो एक ने चंचल रूप बनायो, श्री कृष्ण चंचल हो गए और श्री राधा जी भोरी भारी हो गई। एक ने ग्वारो रूप बनायो एक ने रानी रूप किया। भगवान श्री कृष्ण तो ये ठीक है कि नंद जी एक बड़े आदमी हैं, लेकिन राजा नहीं है। और नंद जी ने जो काम अपनाया कि मैं इस काम के द्वारा अपनी गृहस्थी का पालन करूंगा, वो था गोपाल, गायों को चराने का, गायों को पालना चराना, उनका दूध निकाल कर दूध दही मक्खन बेचना, वही काम फिर श्री कृष्ण को भी करना पड़ेगा, ग्वाले बने वो। और श्री राधा जी विश्वभानु भूप की बेटी हैं, भूप बने राजा, तो वो रानी बनी है। इसलिए इस दृष्टिकोण से भी हमारी राधा जी का ऊंचा स्थान है कि श्री कृष्ण तो ग्वाले बने, गायों को चराया, और श्री राधा जी वृषभानु भूप की बेटी बनकर रानी रूप उन्होंने धारण किया। इक को मद था इक होने का, इक ने बहु रूपिया किया, इक को मन था
बाउर बना दिया रमण दिया आत्मा राम आत्म रति को रमण दिया राधे एक रमण दिया बुद्धू बना दिया अतीत विधि हो बुद्धि एक ने बुद्धू बना बनायो एक ने भोरो रूप किया एक ने चंचल रूप बनायो Yeah.
असुरन इकने मार धाड़ किया असुरन इकने केवल प्यार दिया जब छोटे थे 6 दिन के थे तभी से राक्षसों को मारना प्रारंभ कर दिया था 6 दिन के पूतना वध किया 6 दिन के 1 महीने के थे तो शकटासुर को मार डाला ऐसे ही 2 महीने के फिर 3 महीने के फिर 1 साल के छोटी सी उम्र से ही असुरों को मारना प्रारंभ किया और श्री राधा जी ने बचपन से लेकर जब तक वो रहीं ब्रज में और गोलोक में भी सदा केवल वो प्यार ही प्यार देती हैं। श्री कृष्ण तो छोड़कर चले गए गोपियों को फिर लौटकर आए ही नहीं मथुरा गए मथुरा से द्वारिका चले गए और श्री राधा जी सदा गोपियों के साथ रहीं केवल प्यार देना ही उन्होंने सीखा। इक को सदा मनावत बीतियो इक ने नित प्रतिमान किया। श्री राधा जी चूंकि भोली भाली हैं अपने ही प्रतिबिंब को श्री कृष्ण के हृदय में देखकर श्री कृष्ण का शरीर और श्री राधा जी का शरीर कैसा है दिव्य है। दिव्य शरीर तो महापुरुषों का भी होता है लेकिन एक भेद होता है देह देही भिदा चैव नेश्वरे विद्यते क्वचित वैशेषिक दर्शन में कहा गया। श्री कृष्ण और श्री राधा जी की आत्मा भी वही और शरीर भी वही शरीर अलग आत्मा अलग ऐसा नहीं देह देही भिदा चैव नेश्वरे विद्यते क्वचित ईश्वर में कभी भी देह और देही का भेद नहीं होता। देह अलग है देही यानी आत्मा अलग है ऐसा नहीं आत्मा ही शरीर है शरीर ही आत्मा है दो नहीं है। और लेकिन गोलोक में जो महापुरुष बैठे हुए हैं चाहे वो गोपियां हों या और कोई भी महापुरुष हों किसी भी भाव के सख्य भाव के वात्सल्य भाव के दास्य भाव के उनका शरीर अलग आत्मा अलग जैसे हमारा है ना शरीर है और आत्मा है आत्मा चली जाती है तो शरीर मिट्टी हो जाता है। तो गोलोक में या वैकुंठ लोक में या साकेत लोक में या शिव लोक में या देवी लोक में जो महापुरुष हैं उनका शरीर तो दिव्य है श्री कृष्ण की ही तरह आप समझ नहीं सकते। गोलोक में आप अगर जब जाएंगे और श्री कृष्ण बैठे हैं और सारे सखा बैठे हैं आप नहीं पहचान सकेंगे इसमें श्री कृष्ण कौन से हैं सब एक जैसे सुंदर वही रंग वही रूप वही आंख नाक सब बस एक भेद होगा कि महापुरुषों का शरीर अलग आत्मा अलग अलग माने जैसे हमारे हैं लेकिन श्री कृष्ण और श्री राधा जी की आत्मा भी वही और शरीर भी वही। इसलिए श्री राधा जी रूठती तो हैं लेकिन भक्तों को रस देने के लिए जो भक्त सामने बैठे हैं अगर वो लगातार श्री राधा कृष्ण मान लीजिए गोलोक में बैठे हैं या मृत्यु लोक में आए अवतार लेकर
तो क्या लीला करेंगे, एक दूसरे को सदा प्यार ही करते रहेंगे तो देखने वाले जितने भक्त हैं महापुरुष हैं बोर हो जाएंगे। अरे वो तो ठीक है, हाँ वो तो प्यार करेंगे ही भाई, एक ही हैं दोनों। लेकिन बीच बीच में भक्तों को रस का संवर्धन हो, रस और बढ़े, तो बीच में रूठना भी आवश्यक है। पति पत्नी अगर कभी नहीं रूठते तो फिर तो वो नीरस सा हो जाता है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए रूठना भी चाहिए। कभी पति रूठ गया पत्नी ने मनाया, कभी पत्नी रूठ गई पति ने मनाया, तो उससे प्रेम बढ़ता है। तो राधा जी रूठती हैं, लेकिन इसलिए नहीं रूठती कि श्री कृष्ण को कष्ट हो, श्री कृष्ण को टेंशन हो, दुख मिले। सदा मान ठानती मति भोरी, सदा श्याम रुचि महारुचि जोरी। श्री राधा जी रूठती तो हैं, महाराज जी ने लिखा है, सदा सुहागिनी स्वामिनी मोरी, सदा प्रेम रस नख शिख बोरी। इसी में है, सदा मान थानति मति भोरी। पहली किताब में था सदा श्याम रुचि महारुचि जोरी, लेकिन कृपालु नाम उसमें महाराज जी ने नहीं लिखा था, वो लाइन नहीं बनाई थी। अब जो किताब छपी है उसमें सदा श्याम रुचि महारुचि जोरी की जगह कृपालु लाइन आ गई है, लेकिन अर्थ वही है उसका कि श्याम सुंदर की रुचि में रुचि रख कर राधा जी रूठती हैं। और रूठती क्यों है, वही प्रेम के संवर्धन के लिए। तो उनका शरीर दिव्य है राधा कृष्ण का, और श्री राधा जी के हृदय में श्री कृष्ण सदा रहते हैं, श्री कृष्ण के हृदय में श्री राधा जी सदा रहती हैं। तो श्री कृष्ण के हृदय में राधा जी बैठी हैं, अपने ही प्रतिबिंब को देखकर राधा जी ने सोच लिया कोई और सखी बैठी है उनके हृदय। वो चमकता हुआ शरीर है ना राधा कृष्ण का, शरीर दिव्य है, चमकता रहता है, जैसे कांच में अपनी कोई परछाई देखे, ऐसे ही राधा जी जब श्याम सुंदर के हृदय में, तो राधा रानी बैठी हैं, लेकिन वो सोचती हैं ये कोई और स्त्री इनके हृदय में आ गई है, रूठ गई, बताओ, ऐसे रूठ जाती हैं वो। तो इक इक को सदा मनावत बीत्यो, इक नी नित प्रति मान किया। न्याय किया बस इक कृपालु बनी, कृपा किया। श्री कृष्ण जो है वो समदर्शी हैं, न्यायाधीश हैं। गीता में भगवान ने कहा समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक, मैं समदर्शी हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। बाहैसियत मुंसिफ के, बाहैसियत न्यायाधीश के मैं न्याय करता हूं।
यद्यपि श्री कृष्ण भी कृपा करते हैं, लेकिन न्याय प्रमुख रूप से वो करते हैं, सबके हृदय में बैठकर और सबके आइडियाज, हर क्षण के आइडियाज नोट कर रहे हैं, फिर फल देते हैं उसका। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतर उपनिषद छठवें अध्याय का 11वां मंत्र। भगवान सबके हृदय में बैठकर प्रतिक्षण के आइडियाज नोट करते हैं, कर्मों को नहीं, आइडियाज को, चिंतन को, मंशा को, मन की मंशा को नोट करते हैं, क्रिया को नहीं, और उसी के अनुसार फिर फल देते हैं। उसमें प्लस माइनस नहीं करते। परमात्मा स्वरूप होकर सबके हृदय में बैठे हैं और संकल्पों को लिख रहे हैं और उसी के अनुसार कर्मों का फल देते हैं, न्यायाधीश बनकर। लेकिन केवल न्याय से तो काम बनेगा नहीं जब तक की कृपा नहीं करेंगे। तो श्री कृष्ण न्यायाधीश हैं और श्री राधा जी कृपा करती हैं। उनका क्रोध भी कृपा है, श्री कृष्ण हो या श्री राधा जी हो, क्रोधो पिते नुग्रह एव सम्मतः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय का 34वां श्लोक। नाग पत्नियां जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को नाथा ना यमुना जी से बाहर निकालने के लिए, कालिया नाग के कारण यमुना जी का जल पॉइजनस हो रहा था, जहरीला हो रहा था उसकी श्वास से, तो उसको बाहर निकालने के लिए भगवान ने कालिया नाग के फणों पर नृत्य किया। तो नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया कि सबसे सुंदर नृत्य माना जाता है अनंत ब्रह्मांडों में भगवान शंकर जी का तांडव नृत्य। सबसे सुंदर नृत्य अगर कोई करते हैं तो शंकर जी करते हैं तांडव नृत्य। वो समाधि में होता है, होश में नहीं हो सकता। प्रेम समाधि में तांडव नृत्य करते हैं शंकर जी। लेकिन उनसे भी सुंदर नृत्य किया भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि शंकर जी नृत्य करते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी तो अपना सीधी है, कड़ी है, और भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया फणों पर। जिस समय नृत्य किया तो उसको कष्ट हुआ, कालिया नाग के फण सिर ऐसे हिल रहे थे दर्द के कारण, खून बह रहा था कालिया नाग के फणों से, ऐसे ऐसे वो हिल रहा था दर्द के कारण। अब ऐसे ऐसे हिले और उसके इतने सारे फण हैं, उस पर नृत्य करना कितना कठिन, असंभव। अरे ऐसे पृथ्वी पर तो नृत्य हो सकता है कोई कड़ी जगह पर, लेकिन ऐसे हिलती हुई जगह पर और इतने सारे फणों पर इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर भगवान ने जो नृत्य किया और खून बहने लगा। तो कालिया नाग की पत्नियां, स्त्रियां भी वहां रहती थी कालिया नाग के साथ, उन्होंने बुरा नहीं माना, स्तुति की बल्कि। ननाक पृष्ठम न च सार्वभौम न रसाधिपत्यम न महेन्द्र धिष्ण्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वांछन्ति यत्पाद रजः प्रपन्नाः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय का 36वां श्लोक। हे श्री कृष्ण, आप कितने दयालु हैं कि आपने हमारे पति के सिर पर फणों पर नृत्य किया। जिन चरण कमलों का दर्शन समाधि में करना चाहते हैं बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र, और दर्शन नहीं होता। मेरे हमारे पति के फणों पर साक्षात आप खड़े होकर आपके चरण पड़े, नृत्य किया आपने, ये आपकी कृपा है। और
जो आपके चरण कमलों से प्यार करते हैं हे श्री कृष्ण, वो ब्रह्मा जी का पद, चक्रवर्ती सम्राट का पद, इंद्र का पद, योग, सिद्धियां, मुक्ति कुछ नहीं चाहते। और महाराज आपका तो क्रोध भी कृपा है, क्रोधोपिते नुग्रह एव सम्मतः। आपका तो क्रोध भी, आपने क्रोध किया, इसीलिए तो हमारे पति को सौभाग्य मिला कि आपके चरण उनके सिर पर पड़े। इसी प्रकार से जब भगवान राम ने रावण को मारा और कहा कि देखो हम जीते ना, आखिर तुम हार ही गए, तो रावण ने कहा कौन कहता है आप भगवान हैं, आपको इतना भी नहीं पता कि कौन जीता कौन हारा। भगवान राम ने कहा हम जीते तुम हारे, देखो तुम मर रहे हो और हम तुम्हारी लंका में प्रवेश कर रहे हैं। रावण ने कहा अरे आपको लोग सर्वज्ञ कहते हैं, मैं तो नहीं मानता कि आप सर्वज्ञ हैं। क्यों? क्योंकि सच बात तो यह है कि मैं जीता हूं आप हारे हैं। भगवान ने कहा कैसे? रावण ने कहा जब तक मैं जीवित रहा आपको मैंने लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, और आपसे पहले मैं आपके लोक को जा रहा हूं साकेत, आप तो बाद में आएंगे 11,000 वर्ष बाद, मैं पहले जा रहा हूं। जब आप आएंगे तो मैं आपका वेलकम करूंगा, अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा। बताइए कौन जीता? भगवान राम ने गर्दन नीची कर ली, तुम जीते। उनका तो क्रोध भी कृपा ही है। तो एक ने साम बनी न्याय किया बस एक कृपालु बनी कृपा किया। सम बनी न्याय किया बस एक कृपालु बनी कृपा। कृपालु बनी कृपा किया, एक कृपालु बनी कृपा किया। ओ पिय प्यारी, पिय प्यारी, प्यारी 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 पिया।